बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि खुदा तआला आपको इसी तरह खुश रखे। और एक नई बात, आज प्रिंस भाई का स्टाइल देखें, मूंछों का है कि नहीं, मूंछें हो तो प्रिंस के जैसी जी। और व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आज हम छोटा सा एक डेयर करने वाले हैं। डेयर मतलब हम लोग एक दूसरे की जेब को चेक करेंगे कि आज किसके पास कितने पैसे हैं और क्या क्या जी। अपनी जेब कोई चेक नहीं करेगा, मैं चांद भाई की करूंगा और प्रिंस मेरी करेगा और प्रिंस की चांद भाई करेंगे। पता चले कि हमारी पॉकेट में है क्या जी, और आपको भी पता चलेगा। आज देखते हैं कि ये डेयर में सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होंगे। तो फिर आज की वीडियो करते हैं शुरू। बहुत ही ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो देखते हैं फिर ये डेयर चैलेंज में जिसके पास ज़्यादा पैसे हुए वो जीतेगा और देखते हैं ये कौन जीतेगा। तो चले वीडियो स्टार्ट कर। पहले सुफियान भाई की बारी है, मैं सुफियान भाई की तलाशी लूंगा इसके पास कितना खजाना छुपा हुआ है। भाई ये बहुत अमीर बंदा है। तो अभी इसकी जो है स्टार्ट करते हैं इसकी खुला फाली, ध्यान से लेना भाई। पहले सर्च वारंट इसके निकाल लो। ये जेब देखते हैं, इसमें तो ख्याल में आया था। ये भाई भी बस को भी दिखाओ ना, दिखा के नीचे रखी जाओ। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। और सुजान भाई भाई इसका बटवा चेक करो, इसमें भी कुछ नहीं है। सुजान भाई की इस जेब में जो है वॉलेट है। वाओ, एक मिनट, ये जेब भी देखते हैं। इसमें पेन, इसमें सिर्फ ये एक पेन है। ये भाई किस लिए रखा हुआ है? वकालत का शोभा ही ऐसा भाई। अच्छा अच्छा, तो ये पकड़ो भाई, ये दिखाओ व्यूअर्स को। वॉलेट सुजान भाई का पास आ गया, इसमें देखते हैं अब पैसे कितने हैं भाई। अब दिखाओ भाई, ध्यान। तो व्यूअर्स, ये सुफियान भाई का बटवा और इसमें देखते हैं अब क्या है। पहले तो ये हम व्यूअर्स सिर्फ कैश देखेंगे, बाकी जो चीज़ें वो नहीं, कैश देखेंगे। ये कैश है सुफियान भाई की, ये कैश है। और इसके भाई इतना अमीर बंदा है तू, ये और क्या है इसके अलावा वो भाई बटवा इधर दिखाओ ना इनको। उसके अलावा जो है ना इसके काम की चीजें हैं, जहाँ काम करता है ना सुफियान भाई सेशन कोर्ट में। भाई इसके अलावा इसके एटीएम में कितने पैसे हैं? ये एक सुफियान भाई की कुल मिल्कियत जो है ये एटीएम की है। ये भी दिखाओ व्यूअर्स को, ये एटीएम कार्ड है भाई। इसमें कितने हैं ये भी बताओ, सच सच बताओ के जीरो बैलेंस है। आई डोंट नो। अब व्यूअर्स गिनते हैं सुफियान भाई के पैसे जो है वो कितने हैं। अभी ये एक हो गया नया नोट है, क्या बात है। और ये हो गया जी दूसरा, सही। सो कैश हो गया व्यूअर्स, सीधा आप गिनते हैं इसको भाई। गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 810। अच्छा, और उसके बाद 1310 500 का ये नोट। अच्छा, उसके बाद ये 1000 2310 और ये 1000 और ये हो गया 3310 भाई। तो क्या बात है, क्या बात है। प्रिंस भाई की बारी है। नहीं भाई, पहले भाई तेरी बारी है, मेरी बारी है। पहले तेरी एंड पे मेरी है, ठीक है। मेरी तलाशी हो गई ना। ये सुफियान भाई के पैसे हो गए, ये ऊपर उनका मोबाइल। अब मेरी बारी आ गई, मेरी तलाशी लेंगे चांद भाई। चलो जी, चलो भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल, ये सबसे पहले निकलता है, रख दो मोबाइल। ओहो, है ना। ये मैं गाड़ी के वक्त यूज करता हूं। ये भाई सन ग्लासेस बहुत ही महंगे रे बैन के लगते हैं मुझे तो। ये काका बाइक की, बाइक की, ये कार की चाबी है सन भाई की। कुछ भी नहीं, गरीब आदमी। ये निकली असल पेमेंट। ओहो, बैठ जाओ भाई नीचे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ये क्या है भाई? ये घर का बिल था, आज मैंने पे किया, मेरे पास कैश कम होगा, तुमसे तो मैं हार ही जाऊंगा। सुफियान बटवे की खूबी ये है, उसमें कैश सीधा रहता है। ये मैं ये उल्ट पुलट हो जाता सारा कुछ। मैं देख 650 ठीक है, 30 40 50 60 70 80 ये हो गया 800। अच्छा, 820 कितनी, ये भी बताओ ना। 820 एक कोरोना मास्क, ये टेप लगा मोबाइल, और इसमें ये 6000 का बिल किसने ऐड करना है? वो भाई वो नहीं है, चाइल्ड ग्लासेस। चाइल्ड ग्लासेस ये मैंने महंगी चाइल्ड कह दिया। ये भाई रे बैन के बहुत ही महंगी है ये रेंज रोवर की गाड़ी, चाबी
मेरी लैम्बर की नहीं है ये सही, और ये घर का सामान। अब प्रिंस जो हंस रहा है ना उसकी बारी है। और व्यूवर्स यहाँ पे बारी आती है सुफियान भाई के कैश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुफियान भाई की जेब से पर्चियों के सिवा कुछ निकला ही नहीं। वो शर्मिंदगी के बायस हमें अपनी जेब ही चेक नहीं थे करवा रहे। चले कोई बात नहीं, कभी कभार इंसान घर भूल आता है। सुफियान भाई तो हमें बार बार यही बोल रहे थे कि यार मेरी जेब ना चेक करो, मैं घर भूल आया हूँ। लेकिन शर्मिंदगी इतनी थी सुफियान भाई को कि सिवाय एक शनाख्ती कार्ड के इनके वॉलेट से कुछ निकला ही नहीं, और पर्चियाँ थी वो भी इनके काम की। सो कोई बात नहीं सुफियान भाई, चलो तीसरे नंबर पर आए। तो अगली बार सुफियान भाई कह रहे थे जब डेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा कैश मेरे पास ही होगा। इनके पास चंद सिक्के थे और बस कुछ पर्चियाँ। और व्यूअर्स चैलेंज के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि डेयर तो सुफियान भाई जीत गया, चांद भाई हमारे तो वो हमें खिलाएंगे चिप्स। और इसके लिए हमने एक जगह पर आएंगे चिप्स, फ्राइज चिप्स यानी फ्राइज खाने के लिए। ग्लास थोड़े सस्ते होते हैं तो ग्लास मैं लाऊंगा, ग्लास ही ना लाऊं, वैसे ही आ गया खाने के बाद मां नहीं ऐसे नहीं भाई, ग्लास पे कुछ भी ठक लाए नहीं नहीं, मैं सबसे गरीब आदमी, मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा। तो व्यूअर्स चिप्स हमें सुफियान भाई ने खिला दिया क्योंकि ये डेयर जीत गए थे। ऐसे भाई ने ऐसे कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत रेगुलर आई जी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे भी कम थे, आपने देखा ही है भाई बहुत पैसे लगवा दिए इन्होंने मारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाजत दें, खुदा हाफिज़, खुश रहें, सबको खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।